चलिए पर्यायवाची शब्द पे फोकस करते हैं। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची तो समझ में आ रहा है, मतलब सेम वर्ड है ना जी, सेम वर्ड। खोट्ठा भाषा में, मतलब आप देख सकते हो, खोट्ठा भाखाएं हिंदी लखे एके गो शब्देक ढहीरे रूपे पर जो करल जाहे। खोट्ठा भाषा में हिंदी की तरह एक ही शब्द के, तो एके गो शब्दे कई रूपों का प्रयोग किया जाता, ढहीरे रूपे प्रयोग करल जाहे। देखिये प्रयोग या प्रयोग, सोच लीजिए बात को समझिए, तो जो बताए उसको ध्यान से सुनना है, ऐसे आपका खोट्टा भी सही होगा, सुनोगे बहुत अच्छा होगा। अगर खोट्टा अगल बगल इन्वायरमेंट है तो आप बात करो और भी मजा आएगा। तो खोट्ठा भाखाएं हिंदी लखे एके गो शब्देक ढहीरे रूपे पर जो करल जा है, अब तो आपको समझ में आ गया, दूसरा बार रिपीट किए तो ठीक है। तो आप देखोगे समझ में आया, खोट्ठा भाषा में हिंदी की तरह ही एक शब्द के कई रूपों का प्रयोग किया जाता है। तनी मनी बजकोया, बजकोया मतलब प्रचलित शब्द। गुलाख एके लखेक शब्द गुला हेठे उखरवल गेल है, मतलब कुछ प्रचलित शब्द। देखे तनी मनी मतलब कुछ प्रचलित शब्द, बोले तो बजकोया शब्द। गुलाख मतलब गुला की प्लुरल वर्ड हो गया, तो बोला शब्दों के, तो शब्द गुलाख है ना, एके लखेक शब्द गुला हेठे अखरवल गेल है, पर्यायवाची शब्द निम्न रूप में देखने को मिलती है। और आप लोगों को क्या होगा एग्जाम में, एग्जाम के सिलेबस के आधार पर ही आप लोगों को सब कुछ लेके चला जा रहा है, ठीक है। और हमने सिलेबस में बता भी दिया आप लोगों को कि क्या क्या पढ़ना है सिलेबस में। तो पर्यायवाची शब्द को क्लियर करते आइए, जैसे गीदर हमने बताया था ना लास्ट क्लास में, जब छोटे थे ना तो जाते थे दोस्त के घर जाते थे, आंटी आंटी रमेश है क्या, सुदीप है क्या, तो वो जो घर में रहता है वो गिदरक बुलाए थे, गिदरक है ना, गिदरक बोलते रमेश कहा है आंटी, बोले घर एक गिदरक लागे, घर एक लागे गिदरक जो जो, अरे गिदर घरे के लागे तो काहे ला हम जाए भी जीवो, बोले तो सोच लीजिए काहे भी है, तो गिदर मतलब लोमड़ी गिलर गिदर मतलब सियार भाग जाते थे बाद में। अच्छा कभी कोई पूछता था ना, अरे तोर केते को केते गिदर लागे, हमार चार गिदर लागे, अरे चार गिदर कहने लागे घरे एक लागे, अल्लाह भैया घर में है भागो भैया। तो देखो गिदर बोले तो बच्चा, अब इसको आप देखो चेंगा बोलते हैं, छुआ भी बोलते हैं, चेंगा भी छुआ भी, याद रखेंगे तो गीदर चेंगा छुआ। अब यहाँ पर क्या होता है ना, अभी आप देखो खोट्ठा, आप देखोगे हमारे झारखंड के पांच परमंडल, अब पांच परमंडल में देखोगे पांचों परमंडल में अलग अलग खोट्ठा, तो कहीं गीदर कहीं चेंगा कहीं छुआ, तो कोई बात नहीं। अब आप देखो सुबह सुबह लोग खेत में हल्का होने के लिए जाते हैं है ना, बाथरूम लेटरिन करने के लिए जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं झारा, अरे झारा झारा लग रहे है ना, लोटो वाले के झारा लग रहे, झारा के लिए निकल जाता है, उसको दिशा भी बोलते हैं, दिशा दिशा सोच लीजिए। अच्छा उसके बाद अगला है नरम, अब नरम को पर्यायवाची खोट्ठा में क्या बोलते हैं, लुबुर लुबुर गुलगुल लुहपू लिब लिब, याद रखिए भाजी खोट्ठा में नरम मतलब मुलायम, अब मुलायम को खोट्ठा में पर्यायवाची में क्या क्या बोलते हैं, लुबुर लुबुर, आप कोई सामान देखोगे तो सॉफ्ट होगा, बोले अरे ये तो नरम लागे, लुबुर लुबुर लागे, गुलगुल लागे, लुहलू लुहपू लागे, लिबलिब लागे, तो उसको आपको यूज करना है। और हमने आपको बताया कि यूज करना हम लोग अभी से सीखने का काम करेंगे। अब देखिए गोला मतलब गुलाबी रंग का, अब गुलाबी रंग बोले तो गोला, तो यहाँ पाडरा खैरा पेंडरा पेस्पेडरा रंगिया सबना। अच्छा उसका देखोगे लाठा, लाठा बोले तो आरोप, देखिए लाठा बोले तो आरोप, अब लाठा को पर्यायवाची खोट्टा में क्या बोल रहे, चीट झगड़ा होरसा, ए होरसा काहे को रही, होरसा होरसा काहे को रही है ना, बोरलोक लागे ना, बोरलोक लागे होरसा काहे कर रही, गिदर लागे ना, तो गिदर लागे, अब गिदर लागे गिदर ठीक नहीं होरसा कर रही, सोच लीजिए।
तो खोटा में आप देखोगे कई इस तरह के पर्यायवाची वर्ड पे फोकस कर रहे हैं। अब देखो सोंटा, तो छरी को सोंटा बोलते हैं, जो कि खोटा में बोलते छरी को क्या सोंटा, पैना, मार पैना, मार पैना, सोच लीजिए, लेपिटिक, गाप, हस्तुरुआ। अच्छा उसके बाद देखोगे मेहनत करना मतलब खट्टा, ठट्ठा, काम करा, टीका। अच्छा उसके बाद रेखा, रेखा रेघा बोलते ना, जैसे देखोगे राम भगवान है ना सीता मैया को छोड़ के जब जंगल जा रहे थे तो वहाँ एक रेखा खींचे थे, वो तो नहीं, वो लक्ष्मण को बोल देता, लक्ष्मण जब जाने लगे तो वहाँ पर आप देखोगे क्या हो गए, लक्ष्मण रेखा खींच कर चले गए, तो वहाँ रेखा नहीं वहाँ रेघा बोलेंगे, रेघा बोले चिन्हा, चिन्हा, चिन्हा नहीं। अच्छा उसका सजना, सजना है हमें सजना के लिए है ना जी, यहाँ साजा बोलेंगे, साजा, सपरा, तैयार नहीं, तैयार, तैयार, तैयार नहीं। अच्छा उसके बाद आप देखोगे परंतु है ना, जैसे बोलते बट, परंतु, लेकिन, तो मुदा, मुद्दा, मकीन, ज्यादातर मकीन यूज करते हैं, मकीन, मनेक, मगुर, मंतुक, ऐसे को याद रखिए, अपने से लिखिए, याद कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको गद्यांश में लिखने में हर जगह मजा आएगा। और देखो हम इतना खोटा हम इतना नहीं पढ़ाएंगे बाबू, हम इतना पढ़ाएंगे आपका काम होगा, क्लियर। अच्छा नजदीक को नजीक, इसे बोलते भीरू, भीरे, थीन, लग, पास, ठाव। और उसके बाद अलग बोलते फरकट, बोले अरे वो लाइकी फरकट ला गए, अरे फरकट का मतलब अलग होता है, डिफरेंट, डिफरेंट, लेकिन लोग यहाँ पर निगेटिव सेंस में सोचते हैं, बोलते भीनू लागे, भीनू, भिनाई, छिनगल, हिगरल, नहीं जी। अच्छा तो आप देखोगे